और भाइयों, मैं एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जून, आपका अपना विधायक। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी काफ़ी फैल गई थी और काफ़ी केसेस दिल्ली में बढ़ गए थे, अब धीरे धीरे इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए जिससे कोरोना केसेस की जो प्रतिशत है वो दिन बाय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके इलाज के लिए हालांकि कोई दवाई वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन हमने दिल्ली सरकार ने एक इलाज इसका चालू किया, वो है प्लाज्मा डोनेशन का। जो आदमी इससे रिकवर कर गया इस बीमारी से, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दो अस्पताल LNJP और ILBS वसंत कुंज को बनाया है, जहां पर प्लाज्मा आप डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 18 से 60 साल का कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है, और प्लाज्मा डोनेट करने से उसके शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी कमजोरी कोई नहीं आती है। बल्कि आप एक इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि एक आदमी की जान बचाने के लिए कि आप उसके लिए जीवनदाता बन जाते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ऐसा कोई भी आदमी जो कोरोना से जीत कर आया हो, बाहर निकल के आया हो, ठीक होकर आया हो, तो वो प्लाज्मा डोनेट करे। इन दो सेंटर्स में जाके सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा, डॉक्टर्स की तरफ से सहयोग मिलेगा, और आप दूसरे मरीजों के जीवन रक्षा के लिए सामने आए। ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनके जीवन को बचाया जा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रेरित कीजिए कि प्लाज्मा डोनेट करें। ये ज़रूरी नहीं कि COVID-19 के पेशेंट ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका इम्यूनिटी सिस्टम वो देख के बताया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि वो प्लाज्मा डोनेट करने की पोजीशन में है या नहीं है। इसके अलावा हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस बीमारी के बारे में। पहला प्रोग्राम हमने महिपालपुर वार्ड में किया, जहाँ SDM दिल्ली कैंट और कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया। वहाँ फ्री टेस्टिंग भी हुई और क्या क्या सावधानियाँ इससे बचने के लिए ली जानी चाहिए, कितनी सफाई रखनी चाहिए, कैसा आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, हर डॉक्टर्स ने बहुत से लोगों को अपने विचार व्यक्त किए और लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह सुना और अपनाया। हमारा प्रयास है कि हम बाकी जगह भी ये अवेयरनेस ड्राइव जो हमने शुरू किया है वो करवाएँ, ताकि जगह जगह पर लोगों को अवेयर किया जा सके कि इस बीमारी से कैसे बचाव हो सकता है और हम कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद।